So I'm just sharing my personal experience that if any one of you are coming to Udaipur, then please don't stay at Kalika Resort because yahan ke room service, then yahan ka room, then yahan ka infrastructure, wo sab kafi bakwas hai. Just have a look at our room. यहाँ पे ये टूटा हुआ है, then in fact just have a look at the wall. बस ये पूरे रूम में ये एक ही लाइट है, ये सब POP की लाइट्स भी बंद है, then in fact यहाँ पे टीवी है लेकिन सेटअप बॉक्स नहीं है. Then just have a look at the washroom. Washroom की भी left right center हो चुकी है. एंड दी मेन पॉइंट इज दैट वॉशरूम में गीजर भी नहीं है, सो आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ गाड़ भी करना पड़ेगा. सो वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, आई होप यू आर लर्निंग ग्रेट. इट्स 9 इन द मॉर्निंग, सो लेट्स स्टार्ट द डे विथ एक्सप्लोरिंग उदयपुर. और एक नाइट के स्टे का हम दोनों का कुछ इतना सारा सामान था, ये दो बैग्स हैं, ये 3, 4, 5 और हमारे दो छोटे छोटे स्लिंग बैग्स. बट या इट्स फाइनली डन नाउ. और मेरा आज का एक व्लॉग भी लाइव हो चुका चैनल के ऊपर, नॉट फ्रॉम उदयपुर बट मेरा मेडिकल वाला व्लॉग. आप लोग प्लीज जाके देखो मेरा लास्ट व्लॉग, एक्चुअली लास्ट टू लास्ट व्लॉग, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय लुक फॉर टुडे. ऊपर से नीचे आप लोग देख लो. सो बाय बाय टू दिस काइंड ऑफ बकवास रूम. होपफुली फिर कभी ना मिले कलिका रिसोर्ट में ही दिस रूम. ऑलराइट, सो आई मस्ट से लाइक होटल का एक्सटीरियर तो काफी मस्त है, मतलब बाहर से ये रिसोर्ट काफी अच्छा लगता है, लेकिन अंदर आने के बाद the back you can see is that kitchen, इनका ये किचन है. सो लाइक बाहर से लुक्स लाइक ताजमहल, लेकिन अंदर आने के बाद काइंड ऑफ जेल, सो इट्स काइंड ऑफ ओके. सामान सारा डिवाइड हो गया तो सामान और भी बढ़ गया है हमारा, तो इसीलिए अब थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं सेट करने. द एक्सटीरियर ऑफ कलिका रिसोर्ट दिख रहा है, ये पूरा उनका गार्डन है, फिर आगे उनका स्विमिंग पूल है. आई जस्ट शो इन फ्यू मिनट्स. पूल में जाने का टाइम ही नहीं मिला, बट कोई नहीं, अब जा रहा है, अब शुरू करते हैं उदयपुर को. सो टुक अ स्मॉल फ्यूल ब्रेक एंड 1000 का फ्यूल भरा. यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी कम है कंपेयर टू गुजरात, बिकॉज गुजरात में थी अराउंड 99 और यहाँ पे 98 point something. सो ये रही वो रिक्शा. सो दिस वॉज रिक्शा वॉज टॉकिंग अबाउट, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग बैठेंगे. आई थिंक इट वुड बी नॉट बी पॉसिबल टू सिट, बट स्टिल ये देख लो 360 में एक छोटा सा व्यू, टाइप ऑफ केज की तरह पूरी बनाई है ये ऑटो रिक्शा. हैव अ लुक फ्रॉम हियर, ऐसे है वो ऑटो रिक्शा. यू वांट टू सी इट इन दैट? इफ पॉसिबल हुआ तो हम लोग श्योर बैठेंगे, बट या लेट्स सी. अभी हम लोगों ने जस्ट सिटी पैलेस के गेट में एंटर किया है, नॉट इनसाइड लाइक द प्रॉपर फोर्ट, बट जस्ट अभी सिटी पैलेस के गेट में भी एंटर किया है. अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस, और मैंने कार पार्क की है सिटी पैलेस के बाहर ही, बिकॉज सिटी पैलेस में स्पेशली कार पार्किंग के प्राइस है 350 पर कार, और टिकट मतलब पर पर्सन वो तो अलग ही है, बट देन सिर्फ कार के प्राइसेस 350 और पर पर्सन के प्राइस 330. तो मैंने गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दिया है इन बिटवीन दिस ऑल पार्क का. सो वेल लेट्स गो इनसाइड. और अभी अभी जस्ट मेरे माइक्रोफोन की एक और बैटरी खत्म हो गई है, मैंने नई बैटरी भी डाल दी है. सो जस्ट इन्फॉर्म मी गॉट द टिकट फॉर द म्यूजियम, बट एक प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनल सेटअप अंदर अलाउड नहीं है. सो मैं वापस आ रहा हूँ गाड़ी में टू जस्ट ड्रॉप माई एंटायर सेटअप. शॉट्स होंगे विद द हेल्प ऑफ माई सैमसंग एयर 360 कैमरा, सो क्वालिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई एम डैम श्योर कि ऑडियो क्वालिटी वुड बी परफेक्ट. यू नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज, के सिर्फ कैमरा इज अलाउड बट विथ माइक्रोफोन एंड विथ ट्राइपॉड अलाउड नहीं है. सो लाइक सिर्फ मैं कैमरा ले जाऊँ, आई थिंक आई कैन डू दैट, सो इट वुड बी बेटर. एंड सो नाउ वी आर गोइंग इन. आई होप आई वुड बी विजिबल नाउ. और अब यार आई एम जस्ट व्लॉगिंग विथ माय सैमसंग गियर 360 कैमरा जस्ट हियर, सो दिस इज द लुक बिहाइंड. जस्ट हैव अ लुक एट अ गुड 360 शॉट.
यस क्या करना है। सो इट्स 1:30 एंड यू गाइस आर स्टिल विदाउट लंच। हम लोग अभी यहाँ से जैसे हम लोग फोर्ट में से निकले अभी हम लोग सीधे फिर एंटर किए ही स्ट्रीट मार्केट में डूइंग सम शॉपिंग एंड वी जस्ट बॉट दिस टू डायरी एज अ राजस्थानी वाइफ बिकॉज कुछ यहाँ से यादें लेके जाना पड़ेगा बिकॉज हम लोग एज यू नो अबाउट ट्रैवल करने वाले तो कुछ शॉपिंग का प्लान हमने कल पे डाला था लेकिन जैसे हम लोग फोर्ट में से बाहर निकले आगे कंटिन्यू लाइन मतलब शॉप से शॉप थी तो ये फोर्ट के लाइक टाइम है तो एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग आज खत्म हो गई मीन्स अगर कल कुछ करने को नहीं होगा तो वी अगेन टू दिस स्ट्रीट शॉपिंग। सो इट्स 2 PM और अब जाके हम लोग फाइनली कार पार्किंग में मतलब जहाँ हमने गाड़ी पार्क की तब हम लोग वहाँ पे आए हैं। जस्ट अ सेकंड आई जस्ट टाइट दिस या काफ़ी थक चुके हैं बिकॉज इतना चले ना आज तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी फटाफट जाना है पहले लंच करने के लिए बिकॉज स्ट्रीट को खाना चाहिए एंड मेरे लैपटॉप की हालत ऑलरेडी अभी लेफ्ट राइट सेंटर हो चुकी है और आज मैंने लाइक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इसके पहले जो भी अपने ब्लॉग देखा उसका ब्लॉग हुआ था मेरे 360 कैम से तो लाइक लैपटॉप नया अब लगता है लेना ही पड़ेगा जो कि मैं लेने ही वाला था बट कोई नहीं अभी जितना ये वाला लैपटॉप चल रहा है उसमें तो 360 शॉट लेट्स सी कि वो स्टिच कर पाता है कि नहीं हो जाएगा।